अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सब के नजर। T9 न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। आज यहाँ पर तशरीफ साहब की दावत पर तशरीफ लाए जनाब सरवर फैसल साहब और अब्दुल्लाह जमन के दीगर मशाखिन इकराम भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। पर हमें कुछ 6 बजे हैदराबाद में एक प्रोग्राम है, इसलिए मैं जल्दी रुख्सत होने के लिए आपके बीच ठहरा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान जिस दौर से गुज़र रहा है उसके अंदर सूफिया के पैगाम को आवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में करीब 800-900 साल से ये खानखाही निज़ाम, एक सिस्टम, ये भाईचारगी, ये रुश्द व हिदायत का काम 100 सालों से चल रहा है। इसके अंदर सुकून पाते हैं, वहाँ पर उनकी रहनुमाई की जाती है, वहाँ पर उनको तालीम दी जाती है। जहाँ तक मोमिनीन का सवाल है, जो बैत हासिल करते हैं, जो खुलफा इकराम हैं, जो खानखा चलाते हैं, उन्हों जो तरबियत देते हैं, वो सिलसिले की तालीमात को आम करते हैं, लोगों को जो तरबियत देते हैं। क्योंकि हम 5 आलमों में से गुज़रे, पहले आलम अरवा जहाँ हमारी रूहें थी, दूसरा आलम बतन जो हम आके पेट में थे, ये तीसरा आलम दुनिया है, चौथा आलम बरज़ख है, 5वां आलम क़यामत है। तो ये आलम दुनिया में बचपना, जवानी, बुढ़ापा, खिस्सा ख़त्म एक साइकिल है। अल्लाह पैदा भी करता है, जवान भी करता है, बूढ़ा भी कर देता है और उसको मौत का मज़ा भी चखना है। तो हर मोमिन का ये ईमान है, मरने के बाद अल्लाह फिर से उठाएगा, सब जवान उठेंगे, जन्नत और दोज़ख का मामला रहेगा, पुलसरात रहेगा, आपके अमाल तोले जाएंगे, आपको अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। तो पीर कामिल की जो सोहबत है वहाँ की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर उन्होंने अपनी तरबियत देते हैं। तो आज जो खानखा का ख़याम यहाँ पर शुरू से चल रहा है, और भी अच्छे अंदाज से यहाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इनकी काविशों में, अल्लाह इनकी कोशिशों को कामयाब करे, और जो जो लोग इसमें यहाँ के हिस्सा लिए हैं अल्लाह ताला उनके घरों में भी बरकतें अता फरमाए। ये बुजुर्गान दीन का जो पैगाम है गली गली, कोचा कोचा, गांव गांव तक पहुँचाए, इसी तरीके से जंगलों में रहकर लोग वो पैगाम पहुँचाते थे, आज भी ऐसा माहौल मुझे महसूस हो रहा है। आज ये हजरात यहाँ नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह 5-10 साल के बाद यहाँ पर हज़ारों का मजमा आपको नज़र आएगा। वो सिलसिले से ताल्लुक़ है, रफ़ैया सिलसिले से ताल्लुक़ है, हज़रत काबूल अलाई सिलसिले से ताल्लुक़ है, वो बुजुर्गान दीन का जो फैज़ान है अल्लाह ताला इन पे भी जारी करे, और यहाँ के जो भी मुतवस्सिरीन इन पे जारी करे। और एक मरतबा मैं रशीद साहब को मुबारकबाद देता हुआ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। और राजू राकेश राजू 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 राजू
राजेश पटेल।